हेलो 42, अभी वादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। सुगर एडिक्शन के शिकार लोगों के लिए आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। मिठाई की दुकानें तो बंद हैं, इसलिए दिन बेचैनी से कट रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि इस आदत से छुटकारा पाने के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। अगले 15 दिनों में आप सुगर एडिक्शन से मुक्ति की पूरी कोशिश कर सकते हैं और संभव है कि आप इसमें सफल भी रहें। तो कैसे पाएं सुगर एडिक्शन से मुक्ति, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे कि क्या होता है सुगर एडिक्शन, इसके कारण क्या हैं, इससे कैसे बचें और सुगर एडिक्शन आप छोड़ कैसे सकते हैं। इसके अलावा सुगर एडिक्शन से जुड़े कुछ सामान्य मिथ क्या हैं, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए अब बात शुरू करते हैं कि आखिर यह सुगर एडिक्शन होता क्या है। दरअसल मीठा पसंद करने वालों की अपनी भी मजबूरी होती है। मिठाई ना मिलने पर ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं और यही सुगर एडिक्शन है। सुगर एडिक्शन के शिकार ऐसे लोगों को अगर मीठा ना मिले तो उन्हें लगता है कि कुछ खाया ही नहीं। कई लोग तो मिठाई देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और कितना भी खा ले उनका मन नहीं भरता। ऐसे लोग सुगर एडिक्शन के शिकार होते हैं और उन्हें चीनी की जगह फ्रूट्स जैसे ऑप्शन को अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि चीनी हमारे लिए इतनी एडिक्टिव है कि इसका एडिक्शन कोकीन से भी ज्यादा खतरनाक है। अन्य नशों की तुलना में सुगर छोड़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन काम हो सकता है। और आइए अब जानते हैं सुगर एडिक्शन के कारण क्या है। अगर किसी को सुगर एडिक्शन की परेशानी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी आंत में गुड और बैड बैक्टीरिया का अनुपात सही नहीं है। हमारे गलत खान पान जैसे ज्यादा तेल मसाला, जंक फूड इत्यादि की वजह से अमूमन ऐसा होता है। इससे आंत सही तरीके से काम नहीं कर पाती, पाचन ठीक तरीके से नहीं होता। इस समस्या से निपटना भी मुमकिन है अगर हम हर दिन सुबह खाली पेट एक ग्लास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पिए तो फर्क आपको 10 दिनों में ही दिखने लगेगा। हमारी आंत में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगेगी और पाचन क्रिया भी सही होने लगेगी। ऐसे में सुगर की आदत को छोड़ने के लिए शरीर को नींबू पानी से डिटॉक्सिफाई करना भी जरूरी होता है। और आइए अब जानते हैं कि सुगर एडिक्शन से बचे कैसे। आजकल हर शख्स को मिठाई और नमक से दूरी बनाने की सलाह डॉक्टर और डाइटिशियन देते हैं, क्योंकि इनसे सुगर, मोटापा और बीपी जैसी परेशानी होती है। अगर कोई नियमित रूप से मिठाई खा रहा है तो यह मोटापा और डायबिटीज का कारक बन सकता है। कई लोगों को दिन में खाने के बाद अगर मिठाई ना मिले तो काम में मन नहीं लगता, और रात को खाना खाने के बाद मीठा खाने को ना मिले तो अच्छी नींद नहीं आती। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि सुगर आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है, और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें। और आइए अब बात करते हैं कि आप चीनी छोड़ कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप काम कर सकते हैं वो है खाने के बाद ब्रश करें। यह सच है कि जब हम कुछ नमकीन खाते हैं तो हमें मीठा खाने की तलब होती है। ऐसे में इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि खाने के बाद फौरन ही ब्रश कर लें। इससे जहां एक तरफ दांतों की सफाई हो जाएगी, वहीं मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। एक बार जब स्वाद बदल जाता है तो मीठा खाने की तलब भी काफी कम हो जाती है। खाने के फौरन बाद ब्रश करना वैसे अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी लार पाचन में मदद करती है। इसलिए ऐसा शुरू के 5 से 10 दिन ही करें, यानी जब तक आदत छूट न जाए तब तक ब्रश के ऑप्शन को आप आजमा सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे उपाय के तौर पर थोड़ा नींद को खराब होने दें। डिनर के बाद अगर मीठा नहीं खाएंगे तो मुमकिन है कि नींद कुछ देर नहीं आएगी, पर आजकल यह चल सकता है। जब ऑफिस जाना होता था तो एक रात नींद न आने से अगले दिन ऑफिस जाना मुश्किल होता था। चूंकि आजकल ऑफिस नहीं जाना है तो सुबह के सफर में 1-2 घंटे बचते ही हैं। ऐसे में अगर रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो आप सुबह नींद पूरी कर सकते हैं और थोड़ा लेट भी उठ सकते हैं। और तीसरे उपाय के तौर पर आप ड्राई फ्रूट्स अजमा सकते हैं। किशमिश हो या फिर खजूर, मिठाई की जगह आप इन्हें ले सकते हैं। 10 से 12 किशमिश या 2 से 3 खजूर दिन भर में लेना सही रहता है। एक बार खाने के बाद 5 से 6 किशमिश और 1 खजूर पर्याप्त है। ऐसे में इन ड्राई फ्रूट्स को घर पर जरूर रखना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इनकी लाइफ भी काफी लंबी होती है और इन्हें खाने से सेहत पर भी कोई समस्या नहीं आती।
चौथे ऑप्शन के तौर पर आप फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर किसी को बार बार मीठा खाने की आदत है तो उसे छोड़ने के लिए वह फल का सहारा ले सकता है, मौसमी फल जैसे अंगूर, पपीता, सेब, शहतूत, संतरा और आम इत्यादि। इनके एक दो पीस खाने से ही मीठा खाने की इच्छा खत्म हो सकती है। ऐसे में आपको घर में इन फलों को रखना चाहिए। इन्हें अच्छी तरह धोकर और ढककर रखें। जब भी मीठा खाने का मन करे फल खा लें। ध्यान दें कि अगर आपको जुखाम या बुखार है तो रात में फल कम खाएं, केले तो ना ही खाएं, कारण केला बलगम पैदा कर सकता है। और हाँ, कोशिश करें कि खाने के फौरन बाद ही फ्रूट्स ना खाएं। कम से कम 2 घंटे का गैप दें। अगर 2 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो 1 घंटा आप जरूर रुकें। इसके बाद पांचवें उपाय के तौर पर आप सौंफ खा सकते हैं। खाने के बाद मीठा खाने का मन करे तो सौंफ खाना एक अच्छा ऑप्शन है। यह हल्की मीठी होती है और इससे सांस की बदबू दूर होती है। हकीकत यह है कि होटल और रेस्टोरेंट में भी खाना खत्म होने के बाद सौंफ और मिश्री दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह सौंफ की खासियत है। दरअसल सौंफ सांस के बदबू को पूरी तरह खत्म कर देती है। लेकिन यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सौंफ के साथ आप मिश्री बिल्कुल न खाएं। और आइए अब जानते हैं शुगर एडिक्शन से जुड़े 5 सामान्य मिथ क्या हैं। तो सबसे पहला मिथ ये है कि चीनी या मिठाई की जगह गुड़ खाना ठीक रहता है। पर सच्चाई यह है कि यह सही नहीं है। अगर हमने मिठाई की जगह गुड़ का सेवन किया तो भले ही कैलोरी कम जाए, लेकिन मीठे की आदत तो बिल्कुल नहीं जाएगी। हाँ, चीनी की तुलना में गुड़ एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन शुगर एडिक्शन छोड़ने के लिए यह कतई सही नहीं है। इसके बाद दूसरा मिथ है कि मिठाइयों का शौक एडिक्शन नहीं होता, जबकि सच्चाई यह है कि खुद की आदतों पर अगर आप गौर करेंगे तो संदेह कहीं नहीं रह जाता कि आप एडिक्ट हैं। इसका एक सिंपल फंडा है, अगर कोई शख्स बिना मिठाई के 10 दिन रह ले और इस दौरान उसे मीठा खाने की जरूरत न महसूस हो तो वह शुगर एडिक्ट नहीं है। और इस फंडे पर आदतों को देखें और तय करें कि आप शुगर एडिक्ट हैं या नहीं। इसके बाद तीसरा और अगला मिथ यह है कि रोटी चावल का ज्यादा सेवन शुगर एडिक्शन में नहीं आता। और सच्चाई यह है कि यह बात सच है कि कार्बो यानी रोटी या चावल का स्वाद मीठा नहीं होता, लेकिन इसके पचने के बाद ये ग्लूकोज ही बनाते हैं और फैट के रूप में बदलकर शरीर में जमा हो जाते हैं। यही कारण है कि शुगर पेशेंट या फिर जिन्हें अपना वजन कम करना होता है उन्हें रोटी चावल से दूरी बनाकर रखने को कहा जाता है। सच तो यह है कि हम इन्हें सीधे तौर पर तो मिठाई नहीं कह सकते, लेकिन जब हम शुगर एडिक्शन को छोड़ने की बात करते हैं तो इन पर निर्भरता कम जरूर करनी चाहिए। दिन में अगर आप 3 चपाती या 2 कटोरी चावल खाते हैं तो रात में 1 चपाती और आधी कटोरी चावल से ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। इसके बाद चौथा और अगला मिथ यह है कि चाय या कॉफी में चीनी से दिक्कत नहीं होती, जबकि सच्चाई यह है कि कई लोगों को खाने के बाद मीठे के रूप में चाय या कॉफी पीना अच्छा लगता है। उन्हें यह सेहत के लिहाज से सही लगता है क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा मिठाई की तुलना में काफी कम होती है। 1 कप चाय या कॉफी में 50 से 70 कैलोरी तक होती है, जबकि 1 गुलाब जामुन में 300 से 350 कैलोरी। सच तो यह है कि चाय या कॉफी में कैलोरी तो कम होती है, लेकिन खाने के बाद इन्हें पीने से दूसरे नुकसान हो सकते हैं, जैसे खाने के फौरन बाद इन्हें पीने पर खाना पचने में परेशानी हो सकती है, इसलिए पेट में गैस की समस्या हो सकती है। ये डाययूरेटिक्स यानी यूरिन बनाने वाली होती है, यानी शरीर से ज्यादा मात्रा में पानी को यूरिन बनाकर ये बाहर निकालते हैं। ऐसे में शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है। और तीसरा और अंतिम नुकसान यह है कि भले ही इनमें कैलोरी कम हो, लेकिन चाय या कॉफी में भी चीनी डाली जाती है। यह उसी तरीके से है जैसे एक तरीके से मिठाई। मिठाई में भी चीनी तो सीधे तौर पर कोई नहीं खाता। और आइए अब जानते हैं पांचवा और अंतिम मिथ कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से नुकसान नहीं होता, और सच्चाई इसके उलट है। इस तरह की सोच ज्यादातर लोग रखते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर में कैलोरी नहीं होती, इसलिए चाय या कॉफी में मिलाकर पीने से समस्या नहीं होती। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि यह कोई नेचुरल चीज नहीं है। शुगर फ्री चीजें जैसे चॉकलेट, डाइट कोक, बेकरी आइटम इत्यादि में शुगर, एल्कोहल, फ्रुक्टोज, सैक्रीन और माल्टोडेक्सट्रिन इत्यादि यूज होते हैं, जो कि शुगर नहीं है, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल पर असर पड़ता है। प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चों को दूध पिलाने वाली माएं और बच्चे आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें तो यह अच्छी बात होगी। यह बात कोरी अफवाह है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर, सदमा, दौरा, मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। किसी भी रिसर्च में यह साबित नहीं हुआ है। हालांकि एक स्टडी में यह कहा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है और उन्हें वजन कम करना है
तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के इस्तेमाल से उनको कोई मदद नहीं मिलती, उल्टे डायबिटीज जैसी मेटाबॉलिक बीमारियां होने का खतरा होता है। बेहतर तो यह है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को बेहद ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सलाहें आपको शुगर एडिक्शन से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित होंगी। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।